देवियों भाइयों, कल हमने आपको एक निवेदन किया था, एक ये निवेदन किया था कि आप थोड़ा सा कुछ त्याग कर सकें, कुछ मेहनत कर सकें, कुछ सेवा कर सकें, कुछ परोपकार कर सकें, कुछ अपने दिल को चौड़ा कर सकें, तो आप एक महत्वपूर्ण काम करेंगे और उस महत्वपूर्ण काम का जो श्रेय है वो उसको ही मिलेगा। ऋषिमंत्रों को मिला था। हनुमान जी की तो बात जान लीजिए, हनुमान जी तो बड़े भी थे, पहाड़ भी उखाड़ सकते थे, लेकिन उनके साथ साथ में जो ऋषि बंदर थे, जो पहाड़ के लिए पत्थर उखाड़ के लाते थे, पेड़ की टहनियाँ तोड़ के लाते थे, वो भी रावण युद्ध में मारे गए थे, तो सब जिंदा हो गए थे और सब शिव स्वर्ग को चले गए थे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पाएंगे। इस सिद्धांत को आप भूलना मत, इस सिद्धांत को आप भूलेंगे तो आप आचार्य जी को नहीं भूलेंगे। और अगर आप इस सिद्धांत को भूल गए कि जेब काटिए मालामाल हो जाइए, लूट के लाइए मालामाल हो जाइए, भेगा के लाइए मालामाल हो जाइए, फसला के लाइए भेगा के लाइए मालामाल हो जाइए, अगर ये सिद्धांत समझा है तो आप उन पंडितों के पास जाइए, जादूगरों के पास जाइए, तांत्रिकों के पास जाइए, जो जो ऐसे उल्टे पुलटे विधि विधान बता देते हैं और ये कहते हैं कि इसके बदले में ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। न मैंने कोई बताया न मैं बताऊंगा, ऐसी गलत बात मैं क्यों कहूंगा और गलत बात कहने से क्या फायदा। अभी आप लोगों से मुझे यही बात करनी थी। कौन सी बात? कि आप अपने जीवन का एक हिस्सा लगा दीजिए। कल तो मैंने उन दो बातों के लिए कहा था कि आप उन दो बातों में लगी दिए। आज मैं कोई और छोटी बातें बताता हूँ। कल तो बड़ी बातें थी कि आप विद्यालय चलाने के लिए कोशिश कीजिए एक, और तीर्थ यात्रा का जो हम संजाम तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ा संजाम कर रहे हैं, जीपों का संजाम कर रहे हैं। थोड़ी सी जीपें हमारे पास, 30 जीपें हैं, लेकिन इनकी संख्या कम से कम 100 बना रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ आर्थिक सहायता करनी हो या किसी और सहायता करनी हो, उसके लिए कार्यकर्ता भी भेजने पड़ेंगे, उसके लिए संगीत भी भेजना पड़ेगा, कहीं से कुछ किराया भाड़ा मिल जाता है, किसी से नहीं भी मिलता। तो इस तरीके से वो भी काम बड़ा खर्चीला काम है, बड़ा महंगा काम है, लेकिन किया क्या जाए। हर आदमी के साथ संपर्क में लाना है हमको, हर घर जाकर के हमको जनजागरण का अलग जगाना है। तो किए बिना भी तो नहीं चलता, वो करना भी तो पड़ेगा। आप चाहें तो उस काम कर दीजिए, उस काम को अगर न कर सकते हो तो आप दो काम कर दीजिए। एक काम कर दीजिए कि झोला पुस्तकालय चला कीजिए, जहाँ कहीं भी आप निवास करते हैं वहाँ आप जो 20 पैसे रोज निकालते हैं उसमें मत करना कंजूसी। 10 पैसे कभी छापा था हमने, वो कभी छापा था वो तो बहुत पुरानी बात है, ये उस समय छापा था तो 1 रुपये का 5 किलो गेहूँ आता था, अब 2.5 रुपये किलो गेहूँ आता है। इसलिए 10 पैसे का अब नहीं है कहीं, ये उसको याद मत रखना, उसको तो भूल जाना। 20 पैसे रोज निकालते रहिए और उसकी छोटी छोटी पुस्तकें मंगाते रहिए, और जो भी आपके मिलने वाले हों, मोहल्ले वाले हों, पढ़े लिखे लोग हों, उनको दे आया कीजिए, ले आया कीजिए, दे आया कीजिए, ले आया कीजिए, दे आया कीजिए, ले आया कीजिए। ये इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आप वो काम करते रहेंगे जो कि लाउड स्पीकर ये कर रहा है। ये लाउड स्पीकर हमारे सामने रखा है, हमारी बहुत धीमी आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ को हमारी को बहुत पैनी कर देता है और ये हमारी शक्ल को भी बढ़ा देता है। आपको दिखा रहा है, आपको हमारी शक्ल भी दिख रही है और आपको हमारा ये आवाज़ भी सुनाई दे रही है, ये माइक कर रहा है। फिर आप माइक का काम कीजिए। हमारे विचार सामान्य नहीं है, सामान्य है, अपने मुंह प्रसन्नता करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को हम लेकर के चल रहे हैं वो भगवान की विचारधारा है, वो युग देवता की विचारधारा है, वो महाकाल की विचारधारा है। इस विचारधारा को फैलाने में आप जितना काम कर सकते हैं उतना जरूर करें। जिला पुस्तकालय रखे, 20 पैसे रोज के जो इकट्ठे हो जाया करें, उसके बदले का साहित्य मंगा लिया करें, और साहित्य को जो भी आपके संपर्क में 10 आदमी हों, 20 आदमी हों, 25 आदमी हों, उनको इस सप्ताह पढ़ा दिया, अगले सप्ताह नए 20 आदमी ढूंढ लिए, अगले सप्ताह फिर नए 20 आदमी ढूंढ लिए, इस तरीके से ढूंढते ढूंढते हमारे विचारों को फैलाने का काम कर सकें, तो ये आपको कल वाले काम की अपेक्षा आज सुगम काम बता रहे हैं। एक काम ये करना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आपको जन्मदिन मनाने का अपना उत्सव जरूर मनाना चाहिए। जन्मदिन आपका किसी न किसी दिन होता होगा, उस दिन अपने मित्रों को, संबंधियों को, कुटुंबियों को, पड़ोसियों को, सबको इकट्ठा कर लिया कीजिए और सबको इकट्ठा कीजिए और ये कीजिए कि आज हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा।